नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे नितिन गडकरी, कहा आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने ग्रीन हाइड्रोजन को पेश किया। सेनमारी में लिप्त कुख्यात आरोपी गिरफ्तार, तहसील पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। और फिर तेज हुई चुनावी सुगबुगाहट, नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर तैयार रहने के दिए संकेत। और अब खबरें विस्तार से। घर में सेंध मारकर चोरी करने वाले कुख्यात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसील पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से कुल 4,50,000 रुपए का माल बरामद करने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनोने ने दी। सेंधमारी में लिप्त कुख्यात अपराधी को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद अकीब मोहम्मद सलीम बताया गया। मिली जानकारी के मुताबिक गांजाखेत निवासी पीयूष नंदनवार माता पिता के साथ 16 मार्च को पुणे गए थे। उनके घर से नकदी सहित 4,50,000 रुपए के गहने चुरा लिए गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर परिसर के नाबालिग को हिरासत में लिया। उसने भेष बदल कर चोरी की थी। नाबालिग ने चोरी का माल अकीब को सौंपना बताया। इसके बाद से अकीब फरार था। पुलिस को उसके घर में आने का पता चला। सोमवार को उसे हिरासत में लिया गया। अकीब और नाबालिग से नकदी सहित 4,50,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। पुलिस कर्मचारी अनिल ढोळे हा पाचपावली पोलीस स्टेशनला कार्यरत आहे। यांचा अर्ज चौकशी आमच्याकडे होती आणि अर्ज चौकशीमध्ये त्याचा जुना मित्र आणि SRPFमध्ये ग्रुप चारमध्ये नोकरीस असलेला आरोपी अनिल राऊत ह्याने त्याची 19 लाखाची फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये आरोपी अटक आहे। बता दे की अकीब के खिलाफ हत्यासहित कई गंभीर मामले दर्ज है। वह काफी समय से अपराध में सक्रिय है। उससे अन्य मामलों का भी पता चल सकता है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनोने के मार्गदर्शन में की गई। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। प्रभाग रचना को रद्द करने के निर्णय के साथ ही मनपा चुनाव के कार्यक्रम पर पर्दा पड़ गया है। चुनाव कब होंगे इसकी जानकारी न तो प्रशासन को है और न ही पार्टी के नेताओं को। फिर भी विधानमंडल सत्र समाप्त होने के साथ ही मुंबई से लौटे विधायक और नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर तैयार रहने के संकेत दिए हैं। इन दिनों चर्चा जोरों पर है कि मनपा चुनाव मई अंत या जून महीने में होंगे। हालांकि इस संदर्भ में कोई भी पुख्ता जानकारी देने को तैयार नहीं है। मनपा के वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा कि अब तक कोई नए दिशा निर्देश न तो चुनाव आयोग से मिले न ही राज्य सरकार से। OBC आरक्षण को लेकर चुनावी पेच फंसा हुआ है। आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं हो पा रही। एक बात तो तय है कि चुनाव आगे बढ़ने के साथ ही इच्छुक कार्यकर्ता व पूर्व पार्षदों को भारी आर्थिक चोट पहुंची है। उससे उभरने के लिए वे कमाई में जुट गए हैं। प्रभाग रचना रद्द होने की वजह से फिर से सीमाएं तय होंगी। साथ ही मनपा में प्रशासक राज चल रहा है। ऐसे में इच्छुक व पूर्व पार्षद प्रभागों में भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन चुनावी चर्चा के बीच वे खुद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते अवश्य नजर आ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि अब 3 की जगह 2 का प्रभाग हो सकता है। कोविड संक्रमण की रफ्तार कमजोर पड़ने के साथ ही दूसरा टीका लगवाने वाले भी केंद्रों तक नहीं पहुँच रहे हैं। नागपुर शहर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 82.68% लाभार्थियों ने अब तक दोनों टीका लगवा लिया है, जबकि दूसरा टीका लगवाने के लिए 3,41,761 लाभार्थी टीकाकरण केंद्रों पर अब तक नहीं पहुंचे हैं। वहीं 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग में 46.51% लाभार्थियों ने दोनों टीका लगवा लिया है। नागपुर शहर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 19,73,552 लाभार्थियों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, पर शहर में 21,41,672 लाभार्थियों को पहला टीका लगाया जा चुका है। निर्धारित लाभार्थियों से 3% अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया है। इसमें बेघर, भिखारी सहित अन्य लोगों को भी टीका लगाया गया, जिसकी वजह से निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा टीकाकरण हुआ। वहीं 16,31,791 लाभार्थियों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। वहीं 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग में 1,30,842 लाभार्थी है।
इसमें से 84,573 अर्थात 64.64% ने पहला तथा 60,849 अर्थात 46.51% ने दोनों टीका लगवा लिया है। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में देश भर की 10 प्रमुख यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय आम हड़ताल के कारण वेकोली कर्मचारियों, मजदूरों, बैंक कर्मचारियों, डाक कर्मचारियों और LIC कर्मचारियों ने सोमवार और मंगलवार को तहसील में प्रदर्शन किया। वहीं कुछ जगहों पर रैलियां निकाली गई। इसके कारण तालुका में विभिन्न सरकारी संस्थान आंशिक रूप से बंद रहे, जिसके चलते बैंक, डाकघर या LIC कार्यालय में कोई काम नहीं हुआ है और इसी वजह से हड़ताल दोनों दिन सफल रही, ऐसा यूनियनों का दावा है। वहीं बताया ये भी गया है कि 2 दिवसीय बंद के कारण सैकड़ों करोड़ का नुकसान भी हुआ है। 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ द्वारा 28 और 29 मार्च 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। नए श्रम कानूनों को निरस्त करें, पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में लाए, बिजली सुधार बिल को वापस ले, निजीकरण को रोकना, पुरानी पेंशन को लागू करे, 4 श्रम विरोधी श्रम संहिता को निरस्त करे, रिक्तियों को तुरंत भरे, नियोक्ताओं और श्रम विरोधी कानूनों को निरस्त करे, रोजगार ठेका तत्काल बंद करने समेत आदि मांगों को लेकर कार्रवाई समिति ने हड़ताल की। इस दौरान देश में चल रहे निजीकरण ठेके का जमकर विरोध किया गया। यवतमाल वणी राज्य महामार्ग पर मारेगांव तालुका में बुरंडा बोटोनी के बीच चलने वाली टाटा एस में आग लगने की घटना सामने आई है। MH 29BG 4818 में अचानक आग लग गई और आगे का कैबिन जलकर राख हो गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि गरिमत ये रही कि मारेगांव पुलिस की सतर्कता से आग पर काबू पाया गया। BKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंदे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
चीजगढ़ से 12 किलोमीटर दूर घोनाड़ी गांव में नाव पलटने से दो महिलाओं की मृत्यु होने का मामला सामने आया है। मृत महिलाओं में रेखा वाढ़ाई और मनीषा गुन्नुले का समावेश है। मेरी जानकारी के अनुसार घटना सोमवार की है। गांव के पास एक गाढ़वी नदी है, वो सुबह नाव से नदी के उस पार एक खेत में सब्जी लगाने के लिए गई थी। हालांकि आते वक्त रास्ते में नाव पलट गई और दोनों महिलाओं की डूब कर मृत्यु हो गई। वहीं शेष 5-7 लोगों ने नदी के उस पार तैर कर अपनी जान बचाई। बीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से प्रतिनिधि दिलीप लीलारे की रिपोर्ट। पीने का पानी हर किसी की मूलभूत जरूरत है। हालांकि अकोला के प्रभाग क्रमांक 8 में बीते 40 सालों से यहां के लोग इसी मूलभूत समस्या से वंचित हैं, जिसके चलते गुस्साई महिलाओं ने बुधवार को आयुक्त का घेराव किया। इस दरमियान महिलाओं ने अपने पानी के बर्तन, मटके इत्यादि चीजें लाकर आयुक्तालय के सामने फोड़ कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस दरमियान उन्हीं में से एक महिला गर्मी के कारण आयुक्त कार्यालय के सामने गिर पड़ी। तब वहां मौजूद महिलाओं ने उक्त महिलाओं को छांव में बिठाया और आयुक्त के सामने अपनी मांग रखी। बीकेबी न्यूज के लिए अकोला से वर्षा मोरे की रिपोर्ट। घर टैक्स भरने के बावजूद अपनी मूलभूत समस्याओं से वंचित त्रस्त नागरिकों ने बुधवार को शहर के संविधान चौक पर आंदोलन किया। मनसे पूर्व नागपुर भांडेवाड़ी की ओर से निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। इस संदर्भ में मनसे उपविभाग अध्यक्ष पूर्व नागपुर प्रकाश सोनटक्के ने अधिक जानकारी साझा की। मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, ये हर नागरिक का अधिकार होता है, लेकिन बीते एक लंबे अरसे से शहर के पारडी भांडेवाड़ी इलाके के नागरिक अपनी मूलभूत समस्याओं से ही वंचित है। इस बारे में उन्होंने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते नागरिकों के सब्र का बांध अब टूट चुका है और इसी के चलते उनकी ओर से बुधवार को रैली निकाली गई। मनसे पूर्व नागपुर भांडेवाड़ी की ओर से निकाली गई इस रैली में नागरिकों ने प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस संदर्भ में मनसे उपविभाग अध्यक्ष पूर्व नागपुर प्रकाश सोनटक्के ने अधिक जानकारी साझा की। मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपविभाग अध्यक्ष पूर्व नागपुर, माझे नाव प्रकाश सोनटक्के, आणि आम्ही पारडी भांडेवाड़ी क्षेत्रातील तुळशीनगर, सूरजनगर, अबुमियानगर, अंतुजीनगर ह्या क्षेत्रातून आम्ही आलेलो आहोत। आणि आमच्या महत्त्वाच्या समस्या म्हणजे आम्ही जे घर टॅक्स भरतो नागपूर महानगरपालिकेला, जो प्रत्येक व्यक्ती इथून घर टॅक्स पे करतो, त्या माध्यमातून आम्हाला ज्या सोयीसुविधा मिळायला पाहिजे त्यामध्ये मूलभूत समस्या आमच्या एक गटर लाईन, रस्ते आणि जो पाणी फक्त अर्धा तास मिळतो तो आम्हाला कमीत कमी 24 तास मिळावा अशी आमची एकूण अपेक्षा आहे। आणि ज्या कचरा डंपिंग अख्खा नागपूर शहराचा जो कचरा आमच्या भांडेवाडी क्षेत्रात टाकतात ते लवकरात लवकर इथून हटला पाहिजे ही आमची मागणी आहे। कारण आमच्या मुलाबाळांची परिस्थिती आणि आमच्या घरांची घरवाळ्यांची परिस्थिती इतकी खराब झालेली आहे का आम्हाला कमीत कमी हप्त्यातून 2-3 दा तर आम्हाला दवाखान्यात जावं लागतं साहेब। आणि जेव्हा ते पावसाळा येतो का नाही तर आमच्याकडे कसं तलाव भरतो त्या टाईपचे आमच्याकडे तलाव भरल्यासारखं आम्हाला असं वाटते। तर ह्या आमच्या ज्या समस्या छोट्या मोठ्या त्या परिपूर्ण हे झोपलेली जे महानगरपालिका आहे यांनी जागा होऊन त्या आमच्या समस्याच्या मांग पुरी नाही झाली काय मांग पुरी नाही झाली तर आमच्या 25 दिवसाच्या आतमध्ये आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू नागपूर महानगरपालिका आयुक्तांकडे। मांगे पूरी नहीं होने पर नागरिकों की ओर से तीव्र आंदोलन का इशारा दिया गया। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज नागपुर। दिग्रस में एक समाचार चैनल के पत्रकार अजित महिंद्रे को 30 मार्च को दोपहर 12 बजे बाजीराव नगर रोड पर एक मोबाइल फोन पड़ा मिला। मोबाइल किसका था इस बारे में आसपास के लोगों से उन्होंने पूछा, लेकिन उस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, जिसके चलते उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस बारे में जानकारी डाली और इसी माध्यम से मोबाइल मालिक को पत्रकार अजित महिंद्रे तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई। इस वाक्य से पत्रकार अजित महिंद्रे की ईमानदारी सामने आई है। मूर्तिजापुर पंचायत समिति में वरिष्ठ वेतन ग्रेड प्रस्ताव, चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्ताव, स्थायित्व प्रस्ताव, भविष्य निधि प्रस्ताव एवं अन्य आवश्यक प्रस्तावों को मतगणना कार्यालय में महीनों से लंबित रखा जा रहा है, जिसके कारण कई लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
MUPG प्राथमिक विद्यालय के महासचिव एवं कार्य बाल शिक्षक शंकर रामकृष्ण नाथ ने एसोसिएशन हृदय रोग से पीड़ित है। अप्रैल 2021 में पंचायत समिति को अपना चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद अगस्त 2021 में प्रस्ताव को मंजूरी के लिए अकोला स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था। लिपिक ने प्रधान के हस्ताक्षर के बिना फिर से स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कार्यकाल स्वास्थ्य विभाग ने फिर से उसी त्रुटि को दूर कर फरवरी 2022 में प्रस्ताव वापस भेज दिया। शिक्षक जब मामले की जांच के लिए बिल क्लर्क के पास गए तो उन्होंने अस्पष्ट जवाब और अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवस्था कैसे काम कर रही है, जिसके चलते पंचायत समिति की ओर से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन का इशारा एक्शन फोर्स टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुमार कैथवास ने दिया। VKB न्यूज के लिए मुर्तिजापुर से सुमित सोनोने की रिपोर्ट। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।